तो हे गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वापस आ गए हैं और एक एडिटिंग के साथ। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उस बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप ही के पास आए। तो यार, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमें पहले इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना होगा। तो इसको मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। देन यहाँ पर से स्क्रॉल करके ऐड फोटो पर क्लिक करके हमें अपनी एक फोटो को बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसको मैं पहले से ही करके रखा हूँ। आप भी अपने फोटो की बैकग्राउंड पहले से ही रिमूव कर लीजिए। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो उस वीडियो की लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे, तो कुछ इस तरह से, और कुछ बड़ा कर देंगे। तो कुछ इस तरह से बड़ा साइज सेट कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, एरेज को सेलेक्ट करके, यहाँ पर से एरेज को सेलेक्ट करके इसके ओपेसिटी को कम कर देंगे, 40 तक रख देंगे। देन इसके हार्डनेस को भी 40 तक रख देंगे और इसके साइज को बढ़ा लेंगे। देन हम नीचे से थोड़ा थोड़ा करके एरेज करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। बिल्कुल लाइट से इरेज करना होगा हमें। तो यहाँ पर हमने इरेज कर लिया है। देन अब हम इसको सेव कर देंगे। देन ये यहाँ पर से स्क्रॉल करके एफएक्स में जाएंगे, एफएक्स इफेक्ट्स में। देन इस पर ब्लर पर सेलेक्ट करके इसको इसके साइज को 2 या 3 पर रख देंगे। 3 पर रख के इसके फेड को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसको डन कर देंगे। देन फिर से वही वाली फोटो को ऐड करना होगा, या फिर आप चाहो तो दूसरी वाली फोटो भी ऐड कर सकते हो। और फिर से यही वाली फोटो ऐड करता हूं। तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूं मैं, इस साइड रख देता हूं। देन इस वाली को इधर रख देते हैं। देन अब हम इसको सेव करके फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करके एक पीएनजी को इधर ऐड कर लेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बैकग्राउंड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर ले सकते हो। तो पीएनजी है। तो ये है हमारा पीएनजी जिसको हमें इधर ऐड करना होगा। तो इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे इस तरफ। देन इसके साइज को बढ़ा लेंगे और थोड़ा सा बढ़ाकर इसको यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। देन इसको सेव करके हम अब जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। ये हमारी फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी है। देन यहाँ पर से लाइट्स में सेलेक्ट करके इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर देंगे। देन कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसी तरह से हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, शैडोज को थोड़ा सा बढ़ा के व्हाइट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। देन कलर्स में जाके टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस कर देंगे। देन टिंट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसी तरह से वाइब्रेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे। देन मिक्स में जाकर अब रेड के सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करके इसके ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेंगे। इसी तरह से सेम ऑरेंज को भी सैचुरेशन कम करके थोड़ा सा ल्यूमिनेंस बढ़ा लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। इसी तरह से येलो से कुछ चेंज हो रहा है, येलो पहले ही अच्छा था। देन ग्रीन को देखते हैं, ग्रीन का भी कुछ चेंज नहीं है। देन ब्लू को सेलेक्ट करते हैं, तो ब्लू का इधर चेंज आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, तो ये वाला इफेक्ट अच्छा है।
देन इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, देन डन कर देंगे, देन फिर से इफेक्ट्स में जाके टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसी तरह से क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे, डीएस को थोड़ा कम कर देंगे, विग्नेट को भी थोड़ा सा कम कर देंगे, देन डिटेल्स में जाएंगे, शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा के नॉइस रिडक्शन भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, सेम उसी तरह से कलर नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा लेंगे। देन ये हमारी फोटो हो चुकी है रेडी, तो कैसी लगी पिक जरूर से बता देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।